चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास 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 ओनली विकास। तो विधायक जी ये बताइए, एएमएम भी हावी हो रहा है इलाके में। एएमएम की कोई जमीन नहीं है, वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में भी जैसे लोकसभा में हुआ, 2015 में विधानसभा में हुआ, इस बार उसको भी फिर जो है यहाँ से हम लोग यहाँ के लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो दो बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, दो बार हारने के बाद एरिया छोड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। अब ये उनका मामला है, ये वो समझें, लेकिन हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ की जो गंगा यमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक अभिन्न अंग हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए पिछले 15 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं और मेरे 6 साल के कार्यकाल में जो विकास के कार्यकाल हुए हैं, जनता से हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो फिर विकास के नाम पर वोट करेंगे। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि अगर हमने पिछले 6 सालों में जनता के लिए काम किया है हर फील्ड में, चाहे सुख दुख हो, चाहे विकास के मामले में हो, सड़क पुल पुड़िया बिजली शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, आप दूसरे विधानसभाओं से कंपैरिजन कर लीजिए, अगर मेरे यहाँ काम में कमी हुई तो जनता मुझे वोट नहीं करी। अगर मैंने काम किया तो जनता निश्चित रूप से उस काम का इनाम देगी, मुझे इस पर पूरा भरोसा। आगे वादा क्या कर रहे हैं? आगे हम जो है जब सड़क पुल पुलिया बिजली पर जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसको कर दिया है, अब यहाँ हमारे यहाँ कोचाधामन विधानसभा में 6 पावर सब स्टेशन है 30 पंचायत में, एक सेंट्रल ग्रिड है, एक स्टेट ग्रिड है, पटना के बाद सबसे अधिक बिजली कोचाधामन के 30 पंचायतों में मिलती है, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। तो आने वाले दिनों में हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा और बिहारी नौजवानों को बिहार में कोचाधामन में किशनगंज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर, इंडस्ट्रीज स्थापित कर, उसको रोजगार देना और हर खेत तक पानी पहुंचाना, ताकि हमारे किसान भी जो है पंजाब और हरियाणा के किसानों से आगे निकल सके, यही हमारा हमारा चुनाव। हम लोग भाजपा में नहीं है, भाजपा से हमारा गठबंधन है। मैं 2010 में भी NDA गठबंधन में था, NDA समर्थित जदयू में, 2010 में भी मेरा निशान तीर छाप था, अब भी हम लोग NDA में, बीच में महागठबंधन बना लेकिन उसमें विकास के महागठबंधन बना था 12.5 करोड़ बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, लेकिन कुछ लोग फिर जो अपने चेहरे को चमकाने में लगे, जिस कारण महागठबंधन परेशानी होगा, कोई परेशानी, एनआरसी कोई मुद्दा ही नहीं। जब नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा से 25 फरवरी 2020 को सभी दलों के सहमति से, सभी विधायकों के सहयोग से एक बिल पास करा दिया कि बिहार में NRC नहीं लागू होगा और NPR 2010-11 के तर्ज पर होगा, तो ये जो इशू है ही नहीं बिहार और देश में NRC सिर्फ जो असम के लिए है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर।